हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल एपिसोड 2। सो आपको याद होगा कि लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने बनाया था अपने लिए घर, एंड पता नहीं क्यों बट ये वाला घर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। हम इसको भी कभी मॉडिफाई करेंगे या फिर नया बना लेंगे। बाय द वे, आज किस वाले वीडियो के अंदर हम लोग जाने वाले माइनिंग करने, एंड या कुछ भी आयरन का या फिर आर्मर बना लेंगे, एंड जो भी ओर्स वगैरह मिलेंगे उसको लेंगे। बिकॉज मैं डायमंड का आर्मर नहीं बना सकता क्योंकि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस केस मेरे पास टाइम नहीं क्योंकि मेरे एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। लाइक लिटरली ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एग्जाम देने के बाद आया हूँ, मेरे साइंस का पेपर था। एंड या ये वाला घर है जो कि मेरे को भाई लाइक अंदर से तो लाइक इतना भी बुरा नहीं है ये, बट बाहर से थोड़ा ये उबड़ खाबड़ है। लाइक आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो इस घर के बारे में, एंड आपके पास कुछ बिल्ड आइडिया तो मेरे को बता सकते हो। एंड या आज का हमारा गोल रहने वाला एक आयरन कार्बन एंड एक फार्म बनाना। बाय द वे गाइस, माइनिंग करने से पहले हम लोगों को एक बढ़िया सी केव या फिर रविन चाहिए रहेगी, एंड रविन मेरे घर के बिल्कुल बगल में। लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जब मैं घर बनाया था तो मैंने इसको नोटिस किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये लाइक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी रविन, ये देखो भाई साहब कितनी बड़ी है। एंड ये रविन नहीं, आई थिंक सो ये बहुत ही बड़ी केव है। एंड माइनिंग करने जाने से पहले ना, सबसे पहले हम लोगों का एक गोल रहेगा कि हम लोगों को आयरन की पिकैक्स चाहिए रहेगी। बिकॉज जब हम लोगों को रेडस्टोन या फिर कुछ डायमंड वगैरह मिल भी गया, सो हम लोग उसको कलेक्ट कैसे करेंगे? हम लोगों के पास ओनली स्टोन के, सो मेरे को आयरन का जुगाड़ करने की जरूरत नहीं। यस, क्योंकि मेरे पास पड़ा है पहले से थोड़ा आयरन, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देख लो आप लोग कि ये रहा मेरे पास थोड़ा सा आयरन, एंड 6 रॉ आयरन है। एंड ये आयरन मेरे को मिला था जब मैं वुड काट रहा था, लाइक वुड की कटिंग कर रहा था अपने घर बनाने के लिए। सो वहाँ पर मेरे को मिला था ये। एंड या इसको हम लोग बनाएंगे अपने लिए पिकैक्स। यहाँ से इस वुड से बना लेंगे थोड़े से वुड प्लैंक्स, एंड इससे मेरे को बनानी है शील्ड। बिकॉज अगर हम लोग माइनिंग करने जाएंगे एंड वहाँ पर हम लोगों के पास आर्मर नहीं है तो चलेगा, बट अगर शील्ड नहीं होगी तब भाई क्रीपर एंड ये स्केलेटन हम लोगों की गंदी वाली वाट लगा सकते हैं। सो मैं भी आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि शील्ड लगा लो पहले। वैसे ये बच्चों वाली बात मैं आप लोगों से क्यों बोल रहा हूँ। ओके गाइस, सो अभी मैं वापस आ गया था अपने घर के अंदर, बिकॉज मेरे को अपनी इन्वेंट्री वगैरह सॉर्ट करनी थी, एंड थोड़ा खाना वगैरह मैं लेके आया था क्योंकि मेरे पास खाना तो बिल्कुल था भी नहीं। एंड और भी थोड़ी चीज़ें करने आया था जो कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ। एंड यहाँ से थोड़ी सी वुड ले लेते, अगर हम लोगों को टॉर्च वगैरह बनानी पड़ी तो हम लोगों के पास स्टिक भी चाहिए। अभी चलते हैं इस केव के अंदर। एंड या एक इम्पॉर्टेंट बात तो कहना भूल ही गया, मैंने शेडर लगाया है। एंड आपकी नज़र में, आपको अगर आपके ओपिनियन में और भी इससे अच्छा शेडर है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में, लाइक डिस्क्रिप्शन में क्या बोल रहा हूँ, या मैं कमेंट में आप लोग या फिर डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके मेरे को बता सकते हो। मेरे को शेडर चाहिए था, नॉर्मल मेरे को अच्छा नहीं लगता। एंड या अभी चलते हैं जल्दी से इसके अंदर, भाई मेरे को डर लग रहा है। एंड वेट, क्या रात हो रही है वापस? अबे नहीं यार, रात मैं सो के आ जाता हूँ वापस यार। The next day. ऑलराइट, सो मैं आ चुका हूँ वापस से, एंड मेरे को थोड़ा बगल में आयरन दिखा था। सो या जल्दी से कलेक्ट करते हैं उसको। फर्स्ट आयरन है हमारा, लाइक फर्स्ट आयरन तो नहीं कह सकते, मैं आयरन की पिकैक्स लेकर घूम रहा हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ ये फर्स्ट आयरन है। ये रहा वो वाला आयरन, कलेक्ट करो इसे जल्दी से, बस ये गिर ना जाए कहीं पर। सबसे पहले मेरे को ब्लॉक लगा के इसको पूरा नीचे से भी कवर करना पड़ेगा। भाई एक एक आयरन का भी मैं कितना ध्यान रख रहा हूँ। एंड एक बार नीचे चला गया तो भाई वहाँ पर तो आयरन की बिल्कुल कमी नहीं होने वाली। चलो चलो जल्दी से, मेरे को एक कोल भी चाहिएगा। लाइक मैंने अपना घर बना लिया बट अभी तक मेरे पास कोल भी नहीं है। लाइक भाई साहब ऐसे थोड़ा सा कोल ले लेते। एंड वेट, भाई एक ही कोल था क्या? चलो चलो जल्दी तोड़ो, यहाँ पर भी थोड़ा सा कोल है, एंड यहाँ पर और भी ज़्यादा कोल है इसके पीछे। अबे यहाँ पर तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोल है भाई साहब, यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा। ऑलराइट, सो अभी मेरे पास बहुत सारा कोल हो चुका है, एंड अभी चलते हैं नीचे की साइड। ओके, सो अभी मैं आ चुका हूँ नीचे, एंड यहाँ पर भाई स्लाइम है। क्या स्लाइम का स्पॉन चंक है क्या? बट मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे तो आयरन से मतलब है। एंड नीचे आते ही इन लोगों ने भाई मेरी कितनी कम हेल्थ कर दी है। अब यार यही तो नुकसान है बिना आर्मर के आ जाना इस इतनी खतरनाक केव के अंदर। अब नहीं भाई साहब, तीन तीन क्रीपर एक साथ। अबे अगर मेरे पास शील्ड नहीं होती तो भाई मेरी क्या हालत हो जाती है अभी। भाई मेरे पास थोड़ी सी टॉर्च है, एंड यहाँ पर तीन तीन क्रीपर। ओके भाई शील्ड, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी शील्ड लगाया करो। गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आयरन है, एंड इसके अंदर थोड़ा और आयरन है।
भाई मेरे को लगता है यहाँ पर बहुत सारा आयरन हो सकता है। सो अभी मैं थोड़ी सी यहाँ पर स्टोन से अपने लिए प्रोटेक्शन कर लेता हूँ। एंड वेट भाई, मुझे पता ही था कोई तो आने वाला है, एंड जॉम्बी को मेरे हाथ से मार खानी ही थी। चल जा भाई यार, क्या ये दिमाग ख़राब करके रख देते हैं। एंड अभी हम लोग अपना आयरन जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ से मेरे को बहुत सारा आयरन एंड कोल मिल चुका है। एंड भाई साहब, मेरे पास पूरे 12 आयरन है, एंड अभी मेरे को थोड़ा और आयरन चाहिए और फिर मैं अपना पूरा आयरन का आर्मर बना सकता हूँ। ओ भाई वेट, तीन तीन जॉम्बी एक साथ, एंड मेरी हेल्थ। ओ नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़। ओ नहीं, ओ भाई साहब, ओ शिट यार, ओ भाई साहब कैसे मारा इसने, मैंने शील्ड तो लगाई थी ना। 2000 years later. Okay, वो तो अच्छा हुआ कि ये वाली केव मेरे घर के पास ही थी, सो मैं आके मेरा सामान वापस ले लिया। एंड ओके, सो अभी मेरे को यहाँ पर थोड़ा और आयरन ढूंढना है। एंड वाह भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं मरा था, एंड वापस से भाई सब आ गए। एंड अभी ये लोग मेरे को इतना भाई नूब तो नहीं समझते, मैं इतना भी नूब नहीं हूँ कि इनसे मर जाऊँगा। वैसे पिछली बार मरा था, वो बात अलग है। ओके, सो यहाँ पर और भी ज़्यादा आयरन है, एंड अभी मेरे को लगता है कि मेरा पूरा आयरन कार्मर बन जाएगा। एंड या अभी मैं पूरा प्रोटेक्ट हो जाता हूँ, बिकॉज कोई मॉब आके मेरे को तंग नहीं करना चाहिए। एंड या अभी हम पूरा भाई मतलब चिल मार के माइन करेंगे पूरे आयरन को। एंड गाइस, ये देखो पूरा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो गया हमारा। ओके ओके, जल्दी से क्राफ्ट करो इस क्राफ्टिंग टेबल एंड इस फर्नेस को, एंड चलते और ज़्यादा माइनिंग करने, एंड देखते हैं कि हम लोगों को यहाँ पर के में क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पर सामने की तरफ थोड़ा सा लैपिस है, एंड लैपिस इंचेंटमेंट में तो काम आएगा, बट यहाँ पर जॉम्बी भी है भाई, दिमाग खराब कर लेते हैं ये लोग। एंड वेट, एक स्केलेटन भी है, एंड एक और जॉम्बी है, एंड अभी मेरे वाट लगने वाले हैं सीरियसली। और वेट, अबे इन दोनों में झगड़ा हो गया है। ओह भाई साहब, भाई जॉम्बी ने मेरा काम से ही भाई मतलब हल्का कर लिया इस काम ने, एंड अब स्केलेटन मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। चल भाग यहाँ से। अबे वेट, मेरा शॉट क्यों नहीं लग रहा है इसको। एंड वेट, नीचे बहुत सारे स्केलेटन्स वगैरह हैं, एंड स्लाइम भी है। सो या गाइस, फाइनली भाई देख रहे हो भाई कितने एरो यहाँ पर बजी पड़ी है। भाई मैंने सोचा फर्स्ट में एक जॉम्बी आया होगा, बट यहाँ पर तो भाई पूरी बस्ती आ गई। एंड यहाँ पर मेरे को थोड़ा कोल मिल गया है, कोल नहीं भाई गोल्ड, एंड यहाँ गोल्ड को कलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ से थोड़ा लैपिस भी ले लेते, बिकॉज हमारे इंचेंटमेंट में ये बहुत काम आने वाला है। अबे डायरेक्ट 31 लैपिस। तो यहाँ पर थोड़ा रेस्टोन है, इसको भी जल्दी से कलेक्ट करो, ये भी हमारे रेस्टोन बिल्डिंग में काम आने वाला है। अबे वेट भाई साहब, अभी मेरा इतना तगड़ा यहाँ पर झगड़ा हुआ है इन मॉब से, भाई मेरी हेल्थ कितनी कम कर दी है। ओए वेट भाई साहब, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पॉज कर दी थी यहाँ पर। ओ नो, अभी मैं दो हार्ट्स पर हूँ, तीन भाई, दो हार्ट्स पर लिटरली। अभी मैं वापस मरना नहीं चाहता। नहीं नहीं है, नूब समझाए क्या भाई, इतना भाई बार बार थोड़ी ना मरूंगा। एंड यहाँ पर बहुत सारा आयरन है। एंड या भाई, अब मैं चलता हूँ बाहर वापस। ओके लेट्स गो, चलते हैं बाहर वापस। ओके गाइस, सो फाइनली मैं आ चुका हूँ वापस से बाहर। एंड भाई हालत ख़राब हो गई आज मेरी माइनिंग करते करते। एंड आज तो पूरी 80% वीडियो हमारी केव के अंदर ही रिकॉर्ड हुई है। सो या अभी हम लोगों का गोल है पूरा वीट फार्म बनाना है हम लोगों को। एंड मैंने अभी भी नोटिस किया कि मैंने अपने घर के पीछे वाली साइड तो स्टेयर्स ही नहीं लगाए। भाई भाई पीछे की साइड से कितना गंदा लग रहा है घर, तो ही तो बोलूँ भाई ये वाला घर मेरे को इतना सही नहीं लग रहा। आप लोग मेरे को बिल्ड का आइडिया दे सकते हो कमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से गड्ढे किए, एंड इसके अंदर पानी भर लिया है। एंड अभी होए से हम लोग यहाँ पर फार्मिंग एरिया तैयार करते हैं, एंड फिर चारों तरफ हम लोग बना लेंगे वो क्या बोलते हैं उसको, फेंस से कवर कर देंगे। ऑल राइट, सब कम डन। एंड यहाँ पर मेरे को ओनली भी फैंस लगाने हैं, एंड वो भी मैं लगा दूंगा, एंड मैं वो भी स्किप कर दूंगा, एंड फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। लेट्स गो। एंड मेरा काम ख़त्म, क्योंकि मेरे पास इतनी सीड थी। ओके, सो आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी, एंड
आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको पार्ट 3 जल्दी चाहिए तो #part3 आपको लिख लेना है कमेंट के अंदर। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।